आपकी जो मांग है जो रिजर्वेशन में केवल ओबीसी महिलाओं के लिए है, एससी एसटी के लिए नहीं है? एससी एसटी को ऑलरेडी पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनका है। अच्छा, इसलिए ओबीसी महिलाओं का ना तो पॉलिटिक्स में ओबीसी का रिजर्वेशन है जी, और ना पॉलिटिक्स में ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन है। इसलिए हमारी ये पुरजोर मांग है जी कि संविधान में संशोधन करके ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए और ओबीसी की महिलाओं को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल वेब पर। तो साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद जालौन का मुख्यालय उरई में। जिलाधिकारी कार्यालय के जस्ट सामने मैं मौजूद हूँ और कुछ लोग हैं जो कि अपनी कुछ मांगों को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को उन्होंने अवगत कराने का काम किया है। तो उनसे हम आपको वीडियो के माध्यम से रूबरू कराएंगे और उनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। तो चलिए चलते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल वेब बढ़ते जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नाम भरोसे कुशवाहा जी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जनपद जालौन के अध्यक्ष जी। तो आपकी क्या समस्या है, आपने किन मांगों को लेकर के आपने ज्ञापन दिया? वर्तमान में इस समय जो संसद में जी कानून पास हो रहा है कि महिलाओं को कैसे संपूर्ण आरक्षण दिया जाए जी, उसमें हमारी ये विशेष मांग है कि ओबीसी की महिलाओं को भी कैसे संपूर्ण आरक्षण दिया जाए जी। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि अभी आज की तारीख में तो मैं आज धरना प्रदर्शन पे हूँ जी, और अगले कार्यक्रम में हम जो है जेल भरो आंदोलन कर सकते जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं, यानी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के जो महिला आरक्षण है, 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें उन्होंने ओबीसी महिलाओं एरिए उसमें रिजर्वेशन की उन्होंने मांग की है। और इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।